हेलो दोस्तों वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 24 मई 2019 और यह हमारी एक सौ क्लास है ट्वेल्व इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथ ही क्वेश्चन रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तों अगर आपको एमपीजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपके आंसर जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाल ही में किस देश ने स्थायी निवास प्रणाली के लिए गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है इसका सही ऑप्शन है यू हाल ही में संयुक्त अरब अरब अमीरात ने यह स्थायी निवास के लिए एक गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों संयुक्त तो अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने हाल ही में विदेशी निवेशकों उद्यमियों प्रतिभाशाली छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए गोल्डन कार्ड नामक स्थायी प्रणाली लॉन्च की है दोस्तों अभी स्क्रीम यानी गोल्डन कार्ड क्या है आपको इसके बारे में बता दें इसका उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय प्रोफेशनल और उद्यमियों को यूएई की ओर आकर्षित करना है इसका स्थायी वीजा विदेशी निवेश में वृद्धि देगा दोस्तों उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और टॉप इंजीनियर्स वैज्ञानिक और छात्रों को आकर्षित इस गोल्डन कार्ड के द्वारा किया जाएगा दोस्तों अब बात आइए यूएई की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें मैप में ये जगह यूएई को दर्शाती है यूएई की राजधानी है आबुधाबी और करेंसी है दिरहम यूएई की राष्ट्रपति है खलीफा बिन जयात अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम तो इतना आपको UAE के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन ही में 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसने जीता है तो इसका सही ऑप्शन है जोखा अल हार्दी हाल ही में जोखा अल हार्दी ने 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है दोस्तों जोखा ओमान की एक लेखिका हैं और इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास सेलेशियल बॉडीज के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों इस उपन्यास में उपनिवेशकों काल के बाद ओमान में हुए परिवर्तन का विवरण दिया गया है साथ ही दोस्तों जोखा अल हार्दी इस पुरस्कार को जीतने वाली अरब भाषा की पहली लेखिका बन गई हैं। तो इतना आपको जो का अलहार्दी के बारे में याद रखना है दोस्तों आप बात करते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइस की तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी दोस्तों यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुदित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है तो आपको इतना याद रखना है इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका मोहंती किस पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय बनी है इसका सही ऑप्शन है मकालू पर्वत प्रियंका मोहंती मकालू पर्वत पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं दोस्तों 26 वर्षीय प्रियंका मोहंती ने विश्व के पांचवें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है माउंट मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर है दोस्तों आपको प्रियंका मोहंती के बारे में बता दें तो इन्होंने 2018 में विश्व के सबसे ऊंचे चौथे पर्वत जिसका नाम है माउंट लेहोत् पर भी सफलता पूर्वक चढ़ाई की थी 2013 में इन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी दोस्तों आपको बता दें मकालू पर्वत पर उन्नीस में रायली कीगन के नेतृत्व में अमेरिकी दल ने सर्वप्रथम चढ़ाई की थी तो आपको इन दोनों के बारे में इतना याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस पार्टी ने भारतीय चुनाव में जीत हासिल की है तो इसका सही ऑप्शन है है। एनडीए। एनडीए हाल ही में ने में ने भारतीय लोकसभा चुनाव जीत हासिल की दोस्तों एनडीए में बीजेपी के अलावा और बहुत सी पार्टियां शामिल हैं और इस ग्रुप को एनडीए के नाम से जाना जाता है दोस्तों वैसे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आप जानते हैं लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश की एकमात्र कांग्रेसी लोकसभा सीट कौन सी है तो इसका सही ऑप्शन है छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी कांग्रेसी लोकसभा सीट है इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं जिन्हें है? जिनमें सबसे ज्यादा 28 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती हैं और एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जो कांग्रेस की खाते में गई है दोस्तों अब बात आई छिंदवाड़ा की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट छिंदवाड़ा के बारे में बता दें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है जिले के प्रमुख आकर्षण केंद्र की बात करें अगर तो देश का प्रथम मसाला पार्क यहीं बनाया गया है दोस्तों मानव संसाधन विकास केंद्र एग्रो कॉम्प्लेक्स फूड पार्क और पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा जिले में ही स्थित है दोस्तों आपको बता दें देवगढ़ और कल्याण देवी मंदिर नीलकंठ मंदिर और ये सभी छिंदवाड़ा जिले में ही स्थित है दोस्तों लीलाही और तामिया जलप्रपात भी छिंदवाड़ा जिले में ही स्थित है तो दोस्तों इतना आपको छिंदवाड़ा के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन काव्य संग्रह आरोग्य संजीवनी और जनसंख्या पर रोक लगाए किसने लिखे हैं है तो ये दोनों काव्य संग्रह जिनका नाम है आरोग्य संजीवनी और जनसंख्या पर रोक लगाए ये दोनों लिखे हैं दोस्तों श्याम मोहन सरोठिया को एस एम सरोठिया के नाम से भी जाना जाता है ये डॉक्टर के साथ गीतकार भी हैं इन्होंने इन दोनों काव्य संग्रह का लोकार्पण 25 मई को सागर में किया जाएगा तो आपको याद रखना है श्याम मोहन सरो ने ये दोनों काव्य संग्रह लिखे हैं। क्वेश्चन हाल ही में वायुसेना के किस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है जिसका सही ऑप्शन है क्रूज मिसाइल हाल ही में क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों हाल ही में सफोई एम थर्टी के आई द्वारा इस मिसाइल को छोड़े जाने के बाद इसने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य नष्ट किया है पृथ्वी पर तो इसके एयर लॉन्च वर्जन जो क्रूज मिसाइल का था उसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों अब बात आई भारतीय वायुसेना की तो आपको इसके बारे में बता दें भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी दोस्तों आदर्श वाक्य आपको याद रखना है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नव स्पर्शम द्वीपतम दोस्तों आपको बता दें वायुसेना अध्यक्ष का नाम ये है एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र धनुआ तो आपको इतना भारतीय वायुसेना के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश में डॉक्टर शिव शर्मा का निधन हुआ इनका पेशा क्या था तो ये एक व्यंग थे हाल ही में डॉक्टर शिव शर्मा का निधन हुआ ये एक व्यंगकार थे दोस्तों उज्जैन के टेपा सम्मेलन के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये उज्जैन के रहने वाले हैं इनके द्वारा लिखे गए व्यंग देश की कई पत्रिकाओं में छापे जा चुके हैं तो आपको याद रखना है हाल ही में व्यंगकार डॉक्टर शिव शर्मा का निधन हुआ है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है तो इसका सही ऑप्शन है 16 मई हाल ही में 16 मई को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है दोस्तों 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है इसका उद्देश्य हमारे रोज की जिंदगी में प्रकाश के महत्व को रेखांकित करना है यह दिवस भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन के प्रथम सफल लेजर बीम ऑपरेशन की स्मृति में मनाया जाता है तो आपको इतना द्वितीय अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में याद रखना है बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहा मनाया जाता है तो इसका सही ऑप्शन है साजापुर साजापुर जिले में बालकृष्ण नवीन समारोह मनाया जाता है दोस्तों बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और दोस्तों है। है। दोस्तो साजापुर की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट साजापुर जिले के बारे में बता दें नेवाज लखुंदर पार्वती और चिल्लर ये प्रमुख नदियां हैं साजापुर जिले में साजापुर जिले में ही चिल्लर नदी पर एक बेहद पुराना किला बनाया गया है जो राणोजी सिंधिया द्वारा बनाया गया था दोस्तों राजेश्वरी मंदिर यहां का प्रमुख मंदिर है और मक्सी में प्रमुख औद्योगिक केंद्र है तो दोस्तों इतना आपको साजापुर जिले के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश में महिला नीति की घोषणा कब हुई थी तो इसका सही ऑप्शन है 20 मई 20 मई 2015 को मध्य प्रदेश में महिला नीति की घोषणा भोपाल में की गई थी दोस्तों महिला पंचायत के अवसर पर इस महिला नीति 2015 की घोषणा 20 मई 2015 में, की थी, प्रदेश में तो आपको ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको याद रखना है अब ये महिला नीति क्या है आपको इसके बारे में बता दें तो महिला मुद्दों पर संवेदनशीलता विशेषकारी स्थितियों को समाप्त करना गुणवत्ता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना महिलाओं के लिए शिक्षा देना और कौशल विकास कराना महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए व्यापक सुनिश्चित व्यवस्था करना और गुणवत्ता पूर्व सेवाएं उपलब्ध करवाना ये सभी महिला नीति आयोग के मैनिफेस्टो है नेक्स्ट क्वेश्चन रानी अवंती बाई का जन्म वर्तमान किस जिले में हुआ है इसका सही ऑप्शन है सिवनी रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ है जो वर्तमान में है दोस्तों 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनखेड़ी ग्राम में हुआ था इनका जन्म आपको बता दें रामगढ़ के राजा बिक्रम के साथ इनकी 17 वर्ष की आयु में शादी हुई थी और राजा के देहांत के बाद रानी अवंतीबाई ने शासन किया और वहां से अंग्रेजों से मुक्त दिलाने का संकल्प भी किया था दोस्तों वेलिंगटन ने दिसंबर पंद्रह में रामगढ़ की ओर कूच किया और तीन माह तक यहां पर डारे रहा था और तभी रानी अवंतीबाई की मृत्यु हो गई थी दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की तो कल का जो क्वेश्चन था उसके बारे में बताएं कल का क्वेश्चन था वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन राज्य उप लोकायुक्त हैं तो इसका सही ऑप्शन था यूसी माहेश्वरी यूसी माहेश्वरी प्रदेश के वर्तमान में